हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। वेलकम बैक टू द माय चैनल। और तो सोचा आज एक ब्लॉग बना दूं आप लोगों के लिए। एक छोटा सा प्लेस है, बहुत अच्छा है, वो घूमने लायक टूरिस्ट प्लेस है। नियर बाई यहाँ से आई थिंक 20-25 किलोमीटर है, तो वहाँ पर जाऊँगा आज, ठीक है, सोलो। तो यार काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली बैक इन यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी जल्दी मैं ऑल इंडिया करने वाला हूँ साइकिल पे, और इंक्लूडिंग नेपाल एंड भूटान, इंटरनेशनल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अपना रफ्तार देखो यार, और आपका भाई का हेलमेट यहाँ पे है, तो ये हेलमेट यूज़ करूँगा आज मैं। तो मोटो ब्लॉगिंग ज़्यादा नहीं करूँगा, विंड नॉइस बहुत आएगा क्योंकि इसमें एडेप्टर वगैरह भी, माइक वगैरह नहीं लगा है, ठीक है। हैप्पी संडे, इन्जॉय करना और सब्सक्राइब भी करना। तो भाई यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है क्योंकि ये है अपना, क्या हाल है मेरे, कराली बाज़ार। तो मैं यहीं के रहने वाला हूँ। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक। तो चलिए कहीं भी आ जाते हैं। तो जी अभी हम ना अपना डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, ठीक है। घूमते हैं आज, क्या बोलते हो? आगे तक लेके जाएंगे गाड़ी। यो मैन, ट्रैफिक पुलिस मदरफकर। हाय ब्रो, निकालेगा होगा यार। लो भाई अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच के, तो लग रहा है तो मजा आ गया देख के। ये भाई थंडरबर्ड है, ये तो क्लासिक 350 है, और वो रॉयल एनफील्ड हंटर, ये तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है। ये कौन सा है? ये भी क्लासिक 350 है। अपन भी लेंगे भाई जब कामयाब होंगे, क्या बोलते हैं पब्लिक। बहुत धूप है यार यहाँ पे, तो चश्मा लगाना पड़ेगा, उसके बाद अंदर जाते हैं, क्या बोलते हैं पब्लिक। किधर पे हो? चश्मा लगा के वीडियो बनाएंगे भाई, नहीं धूप में आँख नहीं खुलती है। और देखो भाई मिला है, भाई भी साइकिल चलाता है, साइकिल चलाते हो ना? हाँ, मैं भी ब्लॉग करनी है। चलो फिर साथ में ब्लॉग करते। लो भाई पार्टनर भी मिल गया, बोलते हैं ना जो ऐसे ही दोस्त मिल जाता है ना कहीं पे, वो अच्छा होता है। चलो कहाँ से कॉलेज है आपका? चितकारा में। चलो भाई यहाँ पे गाड़ियाँ एक से एक पड़ी है, हिमाचल तो पास में, हिमाचल बॉर्डर भी पड़ता है ना, दिल्ली वाले भी घूमने आ गए अब तो बताओ। और आगे बैठूं
राधे को जूस भी मिलता है भाई आने के साथ, तो जूस पियो और घूमने जाओ अंदर। तो भाई इसके अंदर ना हम साइकिल तो लेके जा सकते हैं बट मोटरसाइकिल लेके नहीं जा सकते। बाकी यहाँ पे भाई धूम्रपान अलाउड नहीं है, बाकी सब अलाउड है यहाँ पे। अरे पहले से ज़्यादा सुंदर बना दिया पता है, पहले से अच्छा बना दिया है। अच्छा है यार, पहले से काफ़ी अच्छा बना दिया। और गाइस देखो डैम का ये जो पानी है ना वो पहले से ज़्यादा क्लीन लग रहा है। तो यहाँ से आप ज़्यादा मतलब ट्रैकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रैकिंग करके जाओगे तो आप फिर वो टॉप में मिर्जापुर बोलते हैं उसको, मिर्जापुर। और इस तरफ है ये क्या, ये होटल है ना, तो भाई साहब यहाँ पे होटल ले सकते हैं भाई साहब कोई दूर से आ रहा है तो वीकेंड के लिए ना। वीकेंड यहाँ पे वीकेंड क्या ज़्यादा देखने का है नहीं यहाँ पे, यहाँ बस एक ही वन टाइम विजिट कर सकते हैं और अच्छा लगेगा। ये 2 किलोमीटर है अराउंड। हाँ तो इसका लोकेशन बोले तो चंडीगढ़ से ऐसे ही 30-35 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर और नहीं, चंडीगढ़ से यहाँ तक कितना किलोमीटर होगा? चंडीगढ़ से तो ये वाला रोड भी जाता है चंडीगढ़ है ना? नहीं, ये रोड बद्दी और उधर पिंजोर निकलता है, शिमला वाला रोड निकलता है, ठीक है। तो शिमला से भी हम पिंजोर के इधर आ सकते हैं और यहाँ से सीधा जाओगे सीधा कुराली से फिर आप मनाली वाला रोड पकड़ सकते हो वहाँ से, है ना, मनाली वाला रोड, ठीक है। तो ये पूरा जंगल है, ठीक है। तो आगे क्या क्या चीज़ है, ठीक है, वो भी सीन दिखाते हैं आप लोग को। फिलहाल अभी यहाँ पे भाई मिला है तो 2-3 बात इन से भी कर लेंगे। तो भाई आप भी भाई यूपी का है, यूपी कहाँ से? लखनऊ। यूपी बनारस से। बनारस से ओ भाई देखो यार, बद्दी में हूँ। तो बद्दी में रहते हो? बद्दी में हूँ, बद्दी में से अभी मैं साइकिल चला के आया करते हुए आया हूँ ब्लॉग करने। तो जैसे कि आप लोग को पता ना आई हैव अ प्लान कि मेरा ऑल इंडिया प्लानिंग है साइकिल में, इंक्लूडिंग पहले बताया आप लोग को नेपाल एंड भूटान। तो उसके लिए भी मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते भाई से थोड़ा बात करते हैं इन फ्यूचर, क्या पता पार्टनर ही बन जाए, कुछ नहीं पता होता भाई टाइम का, है ना। आ देखो भाई यहाँ पे देखो एक फैट टायर, मैं भी यही चलाता हूँ सुबह। अरे देखो बढ़िया साइकिल है भाई, मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे सोलर सिस्टम भी लगा दिया है, और एक काम करना चाहिए था इनको, चार्जिंग वाला सिस्टम लगा देना चाहिए था, बट ये लाइट के लिए है। यहाँ पे ना जो प्रेमी जोड़े होते हैं ना बहुत आते हैं। हाँ, ये भाई एक तरह से ना ये लव पॉइंट है, ठीक है। और हमारे जैसे के लिए तो भाई ब्लॉगिंग ही ठीक है, हम लोग सिंगल लोग हैं, हमारे अकेले ठीक है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। जब होगा ना रिलेशनशिप तब देखा जाएगा, अभी हमें ऐसे मौज है। चिल्ला चेल सुंदर लाइट वाइट लगा दिया है, मतलब संडे के लिए बेस्ट जगह है। और यहाँ पे बोटिंग भी है, ठीक है। तो बोटिंग का चार्जेस क्या है मेरे को आइडिया नहीं है, मैक्सिमम 200 से 300 का होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कम ही लोग आते हैं, अगर आते भी है तो भर के आते हैं। ज़्यादातर ये आसपास के लोग आते हैं, ये बद्दी साइड चंडीगढ़, ठीक है। तो साथ में टाइम भीड़ लगती है। हाँ, यहाँ पे पास ही वो है ना, क्या बोलते हैं, हिमाचल बॉर्डर भी है ना, बद्दी से उधर तो हिमाचल ही पड़ता है ना। हाँ जी, ठीक है। तो इधर कुराली हो गया, हरियाणा भी, हाँ हरियाणा भी पड़ जाता है, चारों तरफ पड़ जाता है। अब नीचे जंगल देखो, अब कैसा है दोस्त, डर गया तू तो यार, देखा फिर हम जैसे का क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। भाई देखो कॉलेज पढ़ रहा है चितकारा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और हम हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास आउट 2019 लास्ट में हुए थे हम लोग। हाँ यहाँ पे देखो नीचे ना बहुत क्राउड है, वहाँ पे जाएंगे देखते हैं क्यों भीड़ लगा हुआ है। लोगों के साथ बात तो नहीं करेंगे लेकिन यहाँ के लोग ना ठीक नहीं है। हाँ, अच्छे नहीं है, सही बात, मजाक की बात नहीं भाई साहब। ये ना जो बड़े बड़े सिटी होते हैं जिनको पता होता है एक्चुअल में व्हाट इज ब्लॉगिंग, तो उनके साथ बातें ना। तो भाई एसटी कार्ड ना फुल हो गया था, ठीक है। तो अभी दोबारा सारा फाइल डिलीट किया ऑल इंडिया वाला, तो अभी दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे बोटिंग का ना क्या प्राइस है, ठीक है। बहुत लोग आए हैं देखो, सभी भाई लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, देखो ये देखो उधर भी है, ठीक है। और देखते हैं क्या प्राइस है। चलो भाई फाइल हो गया डिलीट। और एक चीज़ देखने वाला, यहाँ पे ना बहुत सारे फूल है, वो भी दिखाता हूँ आप लोग को, और उसके नाम भी है। आप लोग मेरे को पता है कोई नहीं पड़ेगा फूल का नाम, पता है मेरे को ब्लॉग में कोई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्राइस दे लो, प्राइस पैडल वाले के 100 है, इलेक्ट्रिक बोर्ड के 800 है, सुषमा टाइम का प्रमोशन, पैसे मांगू इनसे, इतनी जल्दी नहीं करता।
तो नीचे बोटिंग है, ठीक है, बत्तख वाले बोटिंग भी है और प्यारा सा बच्चा भी है वो। और यहाँ पे एक चीज़ है भाई, आगे ना बहुत अच्छा कैफ़े ओपन किया है इन्होंने, जहाँ पे मतलब ये कैफे लाते और कॉफ़ी वगैरह मिलता है ना, जो मिलते हैं ना महंगे महंगे से, ठीक है। अभी नहीं पियेंगे हम, पियेंगे क्योंकि पैसे नहीं के पियेंगे, ऐसे आगे पेट्रोल बजट आउट ऑफ बजट है, ठीक है। अभी हम ऊपर लेके जाएंगे आप लोग को, ठीक है, जहाँ पे आई थिंक मेरे को लगता है जानवर भी देखने को मिलता है। मैं जब भी सुबह सुबह आता था ना यहाँ पे पहले, तो मेरे को हिरन देखने को मिलता था यहाँ पे, बारहसिंगा बोलते थे जिसको, बारहसिंगा नहीं है, बारहसिंगा ही ना, नहीं 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 जंगली गाय, पता नहीं कुछ जंगली गाय भी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ना आप लोग आके ना रुक भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना टेंट वेंट बना हुआ है और सामने कैफे बना हुआ है और लोग बैठे हैं, ठीक है। दो मिनट रुकोगे, साइकिल लेके आ जाओ, साइकिल लेके आओगे, जाओ फिर मजे मजे, मैं बैठता हूँ भाई साइकिल लेने जा रहा है, ठीक है। तो भाई का सामान यहाँ पे, तो वेट करता हूँ भाई का। और वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ, इतने दिन बाद ब्लॉग बना रहा हूँ ना। यो मैन बी कूल ब्रो, यहाँ पे ना मछली पकड़ने वाले रहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सोलर सिस्टम रखा हुआ है ना, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो सोलर सिस्टम बढ़िया है। पर अंकल मछली वछली है कि नहीं? यहाँ पे बढ़िया झोपड़ी बना हुआ है, चार पांच यहाँ पे रहते लोग, है ना। आपको लेक देखना है ना, आपको ना नज़दीक से दिखाता हूँ, देखो ये देखो मछली का छिलके यहाँ पे पड़े हैं। जय भोलेनाथ। ये देखो लग रहा है ना बढ़िया, ये पानी में पीला पीला पता नहीं क्या है, जंगल है तो आगे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि ना जानवर निकलते कोई आता पता नहीं है बाद में। भाई ऑल इंडिया जाओगे साइकिल मेरे साथ? चलेंगे भाई, इसे खींचना पड़ेगा ऊपर पहाड़ों में, ठीक है, जरूर चलेंगे। हाँ देखो भाई रेडी है, नहीं पता लेकिन भाई ने हाँ बोल दिया, वही बहुत बड़ी बात है। और यहाँ ऊपर चलते हैं यार, क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखो ऊपर ना, आई थिंक फैमिली है वहाँ पे, इधर चलते हैं। अरे घूम रहे हैं तो घूमने का चैनल है ना भाई, पक्का राजस्थान से है ना? नहीं नहीं, महाराष्ट्र से है। सीरियसली? हाँ सीरियसली। महाराष्ट्र किधर से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ से? जलगांव। मेरे चैनल का नाम ASM Vlogs। क्या ASM Vlogs? मैं सड़क से आया हूँ। ये लड़का राजस्थानी लगता है मेरे को। नहीं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है, गया हूँ महाराष्ट्र। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। सीरियसली? मेरा भी इंटरनेट नहीं चल रहा, मेरे को फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप केटीएम लेके आए हो? क्या है आईडी? बाप रे। ASM Vlogs। झूठ नहीं बोल रहे हम, देख लो भाई यहाँ पे प्यारे प्यारे बच्चे मिले हमें। तो दिखता नहीं मेरे को यार, ए गलत लिखा आपने मेरे को, अच्छा ए एस एम। ये देखो अब आएगा, बस मिट्टी दाल भाई जल्दी। और लकड़ियां भी दी, ये रहा ऐसे। सही है भाई, क्या सही है बोलना, क्या सही है? मैंने तो नहीं कही इसने बात, ना कुछ तो सही होगा। चल भाई ऊपर तक चलते हैं, आजा चलो चलते हैं, आजा। हाँ आजा चलो। ओके बाय गाइस, बाय बाय। ओके मजा आया आप लोगों के साथ मिलके, कल आ जाए। देखो भाई यार क्या व्यू है, मजा आ गया। शिट ऐसा लग रहा है ना।
अगर और ऊपर जाते ना तो अच्छा और व्यू आता है, लेकिन भाई गर्मी बहुत है, नहीं चला जाएगा। सब्सक्राइब करो, आज के आज 1000 बढ़ावा था, 1000 एक वीडियो पे एक सब्सक्राइब करते हैं, एक वीडियो में 1000 सब्सक्राइब चाहिए भाई। नगरवासियों को कुछ भाई यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, न्यूज़ देते हैं। आप लोग बताओ, गांव में ना जब कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है ना, जैसे हमारे गांव में तो गुरुद्वारा जाता है, तो गुरुद्वारा में बता देते तो वहाँ पे अनाउंस कर देते सब कुछ कि भाई आज के कल लंगर पाठ चलने वाला है, तो वहीं से सब कुछ फैल जाता है, न्यूज़ सिस्टम है। बाकी गाँव में होता है, मंदिरों में होता है और मस्जिद में भी होता है सीरियसली। तो अभी ना, अभी जिस रास्ते से जा रहे हैं ना हम, उस रास्ते का ना फुल 360 वीडियो दिखाता हूँ आप लोगों को वीडियो। एक्चुअल में रास्ता कैसा है, ऐसे एकदम उजड़ा चमन रास्ता है, लेकिन अच्छा है ट्रैकिंग के लिए। क्या यार, ओ बैठने के लिए जगह है यहाँ पे। चलो इतनी दूर आए, थोड़ी देर बैठते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, है ना? बढ़िया है। ओ भाई मजा आ गया रे भाई, शिट। अच्छा ऐसा सिस्टम है। तो भाई देखो, हमने यहाँ पे छोटा सा पावर नैप लिया है और चढ़ाई करने के लिए, तो हमें एनर्जी मिलेगा अंगूर से। अब अंगूर में कौन सा विटामिन क्या होता है, कौन सा होता है पता है कुछ? नहीं पता भाई, हमें खाने से मतलब है। कमेंट में बता दो कौन सा विटामिन मिलता है इसमें। खट्टा है यार, मेरे को लगता है इलेक्ट्रिक एसिड ज़्यादा है इसमें। हमें क्या करने जाने का, हमें खाने से मतलब है। हाँ बढ़िया है। यहाँ पे चल देखो, इस पहाड़ी के बाद है वो, इस पहाड़ी के बाद मिर्जापुर आ जाता है, लेकिन उधर नहीं जाएंगे भाई, बहुत दूर है, बहुत दूर है। अगर यहाँ पे सपोज बाइक वगैरह अलाउड होता ना, सपोज करो बाइक अलाउड होता तो यहाँ पे भाई सब ऑफ रोडिंग जो है ना इस एरिया में, इतना भयंकर वाला ऑफ रोडिंग हो सकता है ना यहाँ पे। अगर हम साइकिल लेके आते हैं तो साइकिल चलाने के लिए जगह है, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए एक्सपीरियंस ब्रो, ठीक है, जो कि अभी नहीं है हमारे पास। तो बाकी चल ठीक है, साइकिल तो आ सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल आएगा ना, मजाक की बात है। ये यहाँ पे ना चंडीगढ़ से बहुत दूर दूर से लोग आएंगे, मतलब यहाँ पे डेली लोग आते हैं घूमने के लिए, संडे को ज़्यादा आते हैं, भीड़ लग रही है, शाम तक बहुत ज़्यादा भीड़ लगेगी यहाँ पे। ऑफ रोडिंग करने में मज़ा आएगा यहाँ पे। चलो अब थोड़ी देर ज़्यादा यहाँ वो आते हैं, येलो पॉइंट माना जाता है, कपल्स ज़्यादा आते हैं। हाँ कपल्स आते हैं और साइकिलिस्ट भी बहुत आते हैं यहाँ पे, सुबह शाम वॉक के लिए आते हैं, आसपास के जितने भी साइकिलिस्ट हैं वो आते रहते हैं। कपल पेंट मत बोलो भाई, नहीं तो भाई जो भी देखते हैं ना इधर आस पड़ोस के लोग मेरे देखना बंक मार के यहाँ पे बैठे होंगे सब स्कूल से कॉलेज से। चलो ठीक है, एंजॉय करना चाहिए लाइफ में। तो लो भाई, अभी वापसी जाने का टाइम आ गया है, तो थोड़ी टाइम बाद भाई को भी बाय बाय बोलेंगे और मैं भी अपना रफ्तार को लेके रफू चक्कर हो जाऊंगा। तो तब तक के लिए ना इस वीडियो तक यहीं पे रखते हैं, इस वीडियो को यहीं रखते हैं, तो मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए भाई अच्छे से रहना, सब्सक्राइब करते रहना और शेयर भी करते रहना, मौज मस्ती करते रहना, ठीक है, सपोर्ट करना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम सीधा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, लव यू सबको।